Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. ये रमजान का पाक महीना चल रहा है, हमारे पूरे दरगाह क्षेत्र में कर्फ्यू है और हम उस कर्फ्यू के अंदर यहाँ से सामान लेने आते हैं अपने घरों के लिए. इतनी दूर आते हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है सामान की किसी भी किस्म की, इसलिए हमें यहाँ इतनी धूप के अंदर गर्मी के अंदर रोजे रख कर ये आना पड़ता है सामान लेने के लिए. आना पड़ता है आपको कृषि मंडी. दरगाह से कितने किलोमीटर का? दरगाह से कम से कम 10-12 किलोमीटर का फासला है. कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है? परेशानी देख लो आप, ये 40-42 डिग्री टेम्परेचर है. इस 40-42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हमें आना पड़ता है. इस धूप के अंदर रोजे रख के हम रोजे से रहते हैं हम लोग, और रोजे रख के हमें यहाँ आना पड़ता है. ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल नईम खान, समाज सेवी. परेशानी से बहुत कुछ है, जिसके पास पास है वही मार्केट आ सकता है, अगर जिसके पास पास नहीं हो कृषि मंडी कैसे आएगा? रस्ते पुलिस वाले तंग करते हैं, आने नहीं देते किसी भी तरह के. कहाँ से आते हो आप? हम लोग लाखन कोटरी अंदर कोट खादी मोहल्ला. अच्छा. दुकानदार है, सभी दुकानदारों के पास तो पास है नहीं. इसके सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि पड़ाव के अंदर दो दुकानें खोल दी जाएँ, ताकि गरीब आदमी हमें आए. दुकानदार तो कम से कम आम पब्लिक के लिए भले ही मना कर दो, लेकिन कम से कम दुकानदार को जो आने दो वहाँ पर, ताकि लोग. किस जगह आते हो आप? हमें कृषि मंडी आते हैं. कितनी दूर पड़ती है आपको? 12-15 किलोमीटर दूर पड़ती है. आने वाली सवारी किस साधन से आते हो फिर आप? पैदल चल के आते हैं मजागेट तक, और फिर रास्ते में कई पुलिस वाले पूछते हैं सवाल जवाब. अभी तो क्या थोड़ी ढील है, उसके पहले तो हालत बड़े ज़्यादा खराब थे, आ ही नहीं सकते थे. अब किन समस्याओं से हम निकले हैं, किन परेशानियों से हम निकले हैं, लेकिन इसकी कोई फिक्र ही नहीं है. आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है. मेरा प्रशासन से निवेदन है कि पहली बात तो प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है कि ये रमजान का महीना है, हर चीज़ प्रशासन ने उपलब्ध कराई है. ये प्रशासन का मैं शुक्रगुजार हूँ. और प्रशासन द्वारा नरमाई देख के व्यापारियों की दुकानें खुलवाई और हर चीज़ उपलब्ध कराई, इसलिए प्रशासन को चाहिए. अब काफ़ी टाइम हो गया है, 2 महीने हो गए हैं, पड़ाव अनाज मंडी और कृषि मंडी, मतलब पड़ाव किराना मार्केट, प्लाजा सिनेमा रोड, अब 2-2 महीने बंद हो गए हैं. अब इसको प्रशासन को चाहिए, और जल्दी नहीं तो ईद के बाद, जैसे भीड़ भी नहीं हो, ईद के बाद मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से भी और अजमेर जिलाधीश से भी, SP साहब से भी, कि 25 के बाद इसको खुलना चाहिए, और ज़्यादा नहीं तो 2-3 घंटे का छूट देके, जिससे मालूम पड़े भाई भीड़ कितनी होती है. क्यों? पड़ाव एक ऐसा एरिया है जिसमें सारी पब्लिक आती है, इसलिए प्रशासन को पहले 2-3 घंटे दुकान खोलने की छूट देनी चाहिए. फिर अगर सही माहौल है तो फिर आधा दिन कम 6 घंटे चाहिए, फिर 8 घंटे, ऐसे करके प्रशासन को ये काम करना चाहिए. दादा, रमजान का महीना चल रहा है, पब्लिक दरगाह से आती है, पैदल आती है. भाई देखो, आज के ज़माने में सबके पास व्हीकल है, कोई ऐसा है जिसको है नहीं, पर उसकी मजबूरी है, प्रशासन की भी मजबूरी है. प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है, यहाँ से टेम्पो लगा रखे हैं और दरगाह में गाड़ियाँ जाती है हम लोगों से माल लेके, तो वाजिब रेट पे प्रशासन बंटवा रहा है. किसी की कमी नहीं आई है, किसी की शिकायत नहीं आई है, और कम से कम रेट में माल मिल रहा है. इसलिए मेरा तो ये निवेदन है कि बहुत अच्छा काम चला है और प्रशासन भी बहुत है. पर एक थोड़ी सी आखिरी में मैं कहूँगा, जो सिटी मजिस्ट्रेट है विनोद दवे, उसका व्यवहार व्यापारियों से सही नहीं है. ऐसा क्यों दादा? ऐसा इसलिए कि मैं 2-3 बार उसके पास गया हूँ, उसने बात करना उचित नहीं समझा. उसके बाद में मैंने मुख्यमंत्री को भी लिखा और जिला राजस्व अधिकारी ने हमारे को बैठ के 3 बार जिला राजस्व अधिकारी ने व्यापारियों को 2-2 घंटे की छूट दी है. उसका शुक्रगुजार हूँ मैं कि किसी का माल खराब नहीं हुआ और वहाँ से माल निकल के मंडी में आके बिका, तो माल की तंगी भी नहीं आई. मगर विनोद कुमार दवे ने कोई पहल नहीं करी, वो तो अपने में ऐसे व्यस्त था जैसे कि मैं व्यापारी को जानता ही नहीं. ये विनोद कुमार की बहुत बड़ी कमी रही है. जिलाधीश महोदय, SP साहब ने इतना सहयोग किया है, उसका कोई अंत नहीं. आपका नाम? टीकमदास अगनानी, अजमेर मुख्य मंडी यार्ड अध्यक्ष एवं रिटेल मर्चेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष.